चूहा घुसता है गैस के अंदर? कभी कभी घुस तो जाता है, क्यों? अरे वायरिंग खा रखी है चूहों ने, कबाड़ में जाएगी अब। सुनो जरा एक मिनट बाहर आना। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? जब पता है मैं नहाने के बाद पूजा करने जाता हूँ तो बीच में चीखम चिल्ली मचाना जरूरी है क्या? बताओ भैया क्या बात है? भाई साहब आपकी मशीन जो है ना खराब हो गई है। क्यों, क्या हो गया इसमें? जो भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। दिन रात कपड़े तुम धोती हो, मशीन तुम चलाती हो और खराब मेरी वजह से हो गई। तुम्हें कितनी बार कहा कि चूहादानी ले आओ, लो अब घुस गया चूहा और काट दी तार। क्यों बे, कैसा मिस्त्री है तू? जब तुझे पता है इसमें तार कटी है तो तार जोड़ के इसे चला क्यों नहीं देता तू? इसका ड्रेनिंग सिस्टम खराब है, ड्रायर इसका काम नहीं कर रहा, टाइमर इसका फूका पड़ा है, अब बताओ कैसे चला दूं मैं इसे? ये तो कबाड़ में जाएगी। जब मशीन चली नहीं तो इतनी सारी चीजें तुझे कहां से पता चली? अरे भाई साहब भाभी जी ने बताई है, झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लो। भाभी जी बताओ ना क्या क्या बताया आपने मेरे को? घर का भेदी लंका ढाए। क्या लंका ढाए है? और अगर अब मुंह खुलवा ही दिया तो सुन लो भाई साहब, ये मशीन मैं अपने मायके से लेकर आई थी। अब आप एक बात बताओ, 30 साल तक एक चीज को रगड़ोगे तो उसकी दुर्गति होगी या नहीं? बात तो बिल्कुल सही है भाभी जी आपकी। वैसे एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? कहीं से लगता नहीं 30 साल हो गए शादी को आपके। ज्यादा मक्खन लगाया तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा भी। अरे इसमें मक्खन लगाने वाली कौन सी बात है, जो सच है वो सच है। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, इस आदमी के कपड़े धोते धोते ना मेरे हाथों की लकीरें तक मिट गई हैं। अच्छा है हाथों की लकीरें मिट गई, वैसे भी कुछ खास था नहीं तुम्हारे हाथों की लकीरों में। कैसे होता, क्योंकि तुमसे जुड़ना जो लिखा था। अरे 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 भाई साहब रहने दो, बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो है? बात दोनों में से किसी की भी हो, बदनामी तो इसी घर की होगी ना। ठीक है अब ये बता इस मशीन में कुछ गुंजाइश है या नहीं? ये तो आप कबाड़िया को बुला लो, वो प्लास्टिक तोल के बता देगा कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, जो आपको ठीक लगे ले लेना। चलो फिर यही करते हैं। क्यों जी? हाँ करो, मैं जा रहा हूँ पूजा करने। लेकिन भाभी जी वो मेरे पैसे तो दे देते हैं। पैसे? जो मेरे विजिट चार्ज है वो तो दीजिए। विजिट? अरे भैया मशीन देखने के पैसे कौन लेता है? हमारे वहाँ जो राजू मिस्त्री है ना, उसे चाहे 10 बार भी बुला लो लेकिन मजा ले वो एक अठन्नी भी मांग जाए। अरे मैडम पहली बात तो ये मैं राजू मिस्त्री हूँ नहीं, दूसरी बात ये अपने पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। धमकी दे रहा है क्या? हाँ भैया धमकी दे रहे हो क्या? अरे मैडम अपने पैसे मांगना आजकल धमकी कहते हैं कैसे? कितने पैसे हैं तेरे? 2200 रुपए। क्या सिर्फ मशीन देखने के 2200? एक आधा पुर्जा लगा देते तो तुम तो इसका बिल 5000 का बना देते। मैडम आप भी बिना सर पैर की बात कर रहे हो, जो एप्लीकेशन में चार्जेस थे जिस पे आप एग्री हुए थे वही तो मांग रहा हूँ मैं। 500 दे दो इसे। 500 नहीं लूंगा, लूंगा तो पूरे लूंगा भाई। अरे तुम तो अजगर की तरह गले ही पड़ गए हो, 500 लेने में क्या बुराई है? मैडम बात अच्छाई और बुराई की नहीं है, बात है असूलों की। जो मेरे पैसे हैं लेके जाऊंगा, दिमाग का ना दही मत करो मेरा। चल जाए यहाँ से, नहीं है पैसे। क्या 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 कर रहा है, बोल दिया ना पैसे नहीं है, अब जाए यहाँ से। नहीं है पैसे? नहीं। ए, लात मारेगा तू? मारूंगा लात, पैसे नहीं देगा ये ले। अरे डंडा कहाँ है, डंडा कहाँ है? वो उधर रखा है। रुक यहीं खड़ा रहे। ओ 2200 रुपए तुझे दान कर दिए, मियां बीवी मिलके ना मेरे नाम का मोहल्ले में प्रसाद बांट लेना, रख लो तुम अपने पास। प्रसाद तो मैं तुझे देता हूँ, रुक। अरे कहाँ चलिए तुम? अरे मुझे क्या रोक रही, उसे रोकना था ना। जाने दो उसे, तुम मेरे साथ कपड़े धुलवाओ। 1 ग्राम विकास अधिकारी कभी कपड़े नहीं धोता। जा रहा हूँ मैं पूजा करने। तो ठीक है फिर, रहने दो कपड़े गंदे, मैं भी देखती हूँ तुम धुले हुए कपड़े कैसे पहनते हो। अब या तो घर में नई मशीन आएगी या तुम मेरे साथ रोज कपड़े धुलवाओगे। आज मैं इस मशीन को ठीक करके रहूंगी। अरे सुनो, सुनते हो? 1 ग्राम विकास अधिकारी कभी अपनी बात से नहीं बदलता। मत बदलो, यहाँ मशीन चल गई है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, सारे कपड़े धुल जाएंगे और शाम को पिंकी ब्यूटी पार्लर भी।